बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इसमें इत्तिसाद के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की शाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो वक़्त तकरीबन मगरिब से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, और अभी जो है मेरे पास आने लगा है खाना। मतलब मेरा लंच और डिनर जो है वो तकरीबन इकट्ठा ही होता है, तो अभी वही वाला जो है खाना आने वाला है, उसको भी काफ़ी मज़ेदार आने वाला है। मैं भी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। ये रहा जी खाना हमारे पास मज़ेदार सा। इसमें हमारे पास है जी करवा नमकीन गोश्त, इसका सूप और बोटियाँ, और साथ में जो है जी सफ़ेद चावल। माशाल्लाह खुशबू तो काफ़ी मज़े की आ रही है। जल्दी जल्दी खाते हैं तो बताते हैं आपको इसका जो टेस्ट कैसा है। हमारे खा के तो थोड़ा सा टाइम जो यहीं पर सस्ता है, और अभी आ चुकी है हमारे पास चाय, मज़ेदार सी चाय। तो भी चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। अभी वैसे नींद तो आ रही है, लेकिन पता नहीं सोया जाता कि नहीं सोया जाता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जल्दी से जाओ सो जाए। हम चाय जो है रात का टाइम है, इसलिए तरह छोटे कप नहीं रही। वैसे मतलब हर पर्सन का अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन मुझे जो है वो चाय गर्म मतलब अच्छी मज़े की लगती है। गर्म चाय जो मैं पीता हूँ, मैं तो ठंडी चाय नहीं पी जाती सही से। वह जितनी गर्म हो उतनी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। वो अब्दुल्ला का उठ के है, अब्दुल्ला की लगता है मामा गुम हो गई। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, किसे ढूंढ रहे हो? वो लगता है डबल नींद पूरी करने आ गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की बहन है। आप काकी को ढूंढ रहे थे? तो गीगी किसको ढूंढ रही थी? वो ये तो छुपो छुपो उठ गया परे परे काके। आज की सुबह में आपको खुशामदीद। और अभी जो वक्त हो चुका है नाश्ते का, वैसे मैं काफ़ी टाइम का उठा हुआ हूँ, बोल रही रात के 2 बजे का उठा हुआ हूँ, और अभी टाइम हो चुका है 7:30 के, इनके 7:45 का टाइम हो चुका है। और तकरीबन दोबारा जब मुझे नींद आना शुरू हो गई, लेकिन अभी जब मैं नहीं सो रहा, और अभी मैं करने लगा हूँ नाश्ते। तो नाश्ते में हमारे पास क्या है, ज़रा हम आपको पहले वो बता दें। नाश्ते में जी हमारे पास रोटी और साथ में जो है नमकीन गोश्त, जो कि आजकल मैं काफ़ी शौक से खा रहा हूँ, वो और कुछ मतलब पीसीज वगैरह, और साथ में जाए वो इसकी जो यखनी वगैरह वो। और अभी हम मज़े से करते हैं जी नाश्ता। एक बार फिर से जो है वो मैं ज़रा सो के फ्रेश होकर उठ गया हूँ, लेकिन काइंड ऑफ फ्रेश तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक फ्रेश। और अभी जो है वो हमारे पास आ चुका है सैलड। और ऑप्शन था मेरे पास यानी कि मैं खा लूँ दाल रोटी और साथ में सैलड, मतलब था मैंने कहा कि दाल रोटी रहने देते हैं, अभी सिर्फ सैलड खा लेते हैं, क्योंकि फिर अगर अभी खाना खा लिए तो फिर रात का खाना नहीं खाया जाता। तो मतलब आपको सैलड दिखाता हूँ, हमारी सैलड जो है वो कैसे बनी हुई है जी। माशाल्लाह थोड़ी सी सैलड मैंने मंगवाई थी, इसमें हमारे पास है जी प्याज, खीरा, बंद गोभी, हाँ बस यही चीज़ें, उसके अलावा नमक और काली मिर्च। मैं लगा हुआ था टिकटॉक पर अपलोड करने जी, ये वाली मेरी टिकटॉक है जिसमें मैं गेम की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ये वाली। अभी वैसे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि इसका टेस्ट कैसा, बट खुशबू जो है वो अच्छी आ रही है, होप तो टेस्ट भी इसका जो है वो मज़े का होगा। मैंने जी अपने लिए बनवाई नूडल्स, और मैं खा रहा हूँ नूडल्स। क्या हुआ है? नहीं खाई जा रही है। सफीला साहब जो चले गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला साहब को जो बड़ा दिल करा खाने को, तो अब्दुल्ला का खाना दिखाता हूँ मैं आपको। ये लो ये पकड़ो अब्दुल्ला, ये अच्छा जी सफीला भी आ गई, ये लो। नहीं इसने इसके साथ नहीं खाना, गिराओगे यार सारे के सारे। मैं खिलाता हूँ ना, मैं खिलाता हूँ। ये लो ये लो पकड़ लो, खुद खा लो। मतलब पसंद बहुत ज्यादा, लेकिन ये गला इससे खराब हो जाता है बच्चों का। ये लो आप भी खुद खा लो, हाँ खा लो आप, ये लो। फोन साथ खाना आपने, साहब ने भी जब वो अंदर ही गुजार दिया। और अभी हमारे पास आ चुका है शाम का खाना। तो शाम के खाने में हमारे पास क्या है, अपने ज़रा फ्रेश होकर मुँह हाथ धो के, तो
अभी से ज़रा खाना खा लेते हैं। खाने में मैं ज़रा बता दूँ, पहले दिखा दूँ पहले कि क्या है हमारे पास खाने में। खाने में जी हमारे पास चने की दाल और साथ में जावर नमकीन राइस, बड़े मज़ेदार के लग रहे हैं। दाल जो हमारा सुबह की बनी हुई थी और राइस जो है वो अभी बनाए हैं और मज़े के लग रहे हैं। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है इनकी ना। और अभी जो है वो आप लोग ज़रा कुछ टाइम के लिए अब्दुल्ला से बातें कर लें। मैंने इसकी वीडियो बनाई और इसकी एक्टिविटीज़ क्या ये कर रहा था मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब डिफरेंट लगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इधर वीडियो देखें, तकरीबन 1.5 मिनट का क्लिप है जो सिर्फ अब्दुल्ला की जब एक्टिविटी है और मतलब कैमरे को देख के इसके रिएक्शन वगैरह जो भी कुछ भी है। उसे पता लग रहा है नीचे तो तरफ तो वो अंदर नहीं आता, तरफ तो अंदर आया था। जी हल्की हल्की जो है वो सर में दर्द भी शुरू हो गई है, शायद वैसे थकावट की वजह से या लेजीनेस की वजह से। और अभी जो है वो हमारे लिए आ चुकी है चाय शरीर, तो अभी ज़रा चाय इंजॉय करते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं। टाइम हो रहा है जी रात के 3:15 का ऑलमोस्ट, 3:15 का। और हम लोग जो है वो गेम खेल रहे थे, तो जो ये वाला प्लेयर है ना, ये वाला इसका नाम है समीर। और ये जो है वो अक्सर ही रात को लाइक 4 बजे 3 बजे या इस तरह से जो है वो खाना खा रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं पहले जल्दी सो जाता हूँ, बाद में मेरी आँख खुल जाती है 12-1-2 बजे के करीब। उसके बाद फिर हम लोग जब गेम खेलना शुरू कर देते हैं या इस तरह से जब वो कर गुजारते हैं। एक लड़का सऊदीया में होता है, वो भी साथ हमें ज्वाइन कर लेता है, फहद उसका नाम है। तो अभी जनाब साहब ने जब आज पिज़्ज़ा मंगवाया है तो मुझे बता रहा था कि मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया, मेरा भी दिल किया तो मैंने भी इसे रिक्वेस्ट की और जनाब अब 2 पिज़्ज़े मंगवाए इसने। अभी एक पिज़्ज़ा खुद खाया इसने और एक जब मेरे लिए भेजा। आसिम भाई रिसीव करने गया, वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा था, करके तो भी आया सोने लगा, तो मैंने उसको बाहर भेजा। मैं कहा जब पिज़्ज़ा रिसीव करके लाओ, पिज़्ज़ा रिसीव करके लाता तो फिर देखते हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो उसका टेस्ट वगैरह कैसा है। होप्स हो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब खाया था तब वाकई बहुत मज़ा आया था। तो अभी देखते हैं कि अभी जो है उसका टेस्ट कैसा है। वाले ये लाया आसिम साहब पिज़्ज़ा, थैंक यू। और जी ये रहा हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार सा। वैसे तो पिज़्ज़ा जो है वो ठंडा हो चुका है, बट स्टिल जो है इसका टेस्ट यकीनन होगा मज़े का। अल्लाह वो ऊपर जो भाई एक हाथ में कैमरा और एक हाथ उतार रहा, एक्स्ट्रा चीज़ की डोज है इसके ऊपर, उतर ही नहीं रहा। और एक छापर भी साथ ही आ गए। अरबी खाते हैं जी ठंडा ठंडा पिज़्ज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा लेकिन स्टिल जो है वो काफ़ी मज़े का। सॉसेज हैं इसका भी जो बहुत एक अलग ही मज़ा आता है। पिज़्ज़े के साथ जो उन्होंने एक बड़ी मज़े की सॉस भी दी है,
तो ये सॉस भी जब इसके ऊपर डाल खाते हैं, होप्स काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सॉस ये काफ़ी थिक है तो उसके ऊपर तो नहीं मतलब जा रही, तो इसको अंदर से ऐसे करके उतर जाओ साथ से, इस तरह इसको लगा लेते हैं सॉस मज़े की। इससे क्या इतफाक़ है, लास्ट टाइम भी मतलब दो तीन बार मैंने इस टाइम खाना खाया एक्सीडेंट होने के बाद, तो तीनों बार जो है वो समीर की तरफ से आया, तो समीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वाकई जो है वो मज़ा ज़्यादा हो गया इसके सॉसेस के साथ, पहले मज़े का था लेकिन सॉस के साथ जो है इसका मज़ा ज़्यादा हो गया। और बाकी का जो मैं सॉस के साथ खाऊंगा, और मुझे प्रॉब्लम आ रही है कैप्शनिंग करने में, इसलिए मैं बाकी कैप्शनिंग नहीं करूँगा, मैं मज़े से खुद अकेला अकेला खाऊँगा। वैसे एक चीज़ जो बहुत कॉमन जो है वो समझ जाती है और कही जाती है कि आखिरी बाइट का जो है वो एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये नहीं मेरी पिज़्ज़ा की आज की आखिरी बाइट, अलहमदिल्ला काफ़ी मज़ा आया पिज़्ज़ा खाने का, काफ़ी जो एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो कुछ खाया भी नहीं था। रात को जब मैंने खाना जल्दी खा लिया था, बहुत 6-7 बजे मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं सो गया और उठ के कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पी रहा था, पिज़्ज़ा खाया, मज़ा आया। अजान ज़ुहर जो है वो शुरू हो चुकी है और मेरे लिए आया नाश्ता। मैं पहले सुबह उठ के तो मतलब रात को थोड़ा उठ गया था मैं, 1-2 बजे ऑलमोस्ट था, और उसके बाद मैं सोया नहीं, मैंने कहा नाश्ता करके सोते हैं, वेट करते करते पता नहीं कब आँख लगी, पता नहीं लगा। उसके बाद जब वो मेरे घर घर पर उठाते रहे और मैं उठा नहीं, और अभी जो है वो हमारे पास आ चुका है नाश्ता। नाश्ते में जी हमारे पास देसी आटे का मज़ेदार सा पराठा, साथ में अचार मज़े मज़े का आम का और मिर्च का, और इसके अलावा ये हमारे पास चाय एंड दूध पत्ती।